आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में पूरा जोश और उत्साह नजर आ रहा है। चारधाम यात्रा के लिए गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम सज गए हैं। अब से कुछ देर बाद अक्षय तृतीया के मौके पर इन धामों के जो है कपाट जो है वो खुल चुके हैं। सबसे पहले केदारनाथ धाम का जो है वो कपाट खुल गए हैं। शुभ मुहूर्त में इनके कपाट खोले गए हैं। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर जो है ये कपाट खोले गए हैं। आज अक्षय तृतीया है और बाबा केदार के जो कपाट हैं वो ग्रीष्म काल के 6 महीने के लिए जो है वो खोल दिए गए हैं उनके भक्तों के लिए। केदारनाथ धाम की भव्यता देखते ही बन रही है। फूलों से जो है वो केदारनाथ धाम का श्वेत श्रृंगार किया गया है और ये तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्त जो हैं उनका जोश जो है वो देखते ही बन रहा है। बाबा के जयकारों से जो है पूरा मंदिर प्रांगण गूंज रहा है। हर तरफ सिर्फ हर हर महादेव जो है उसकी आवाज आ रही है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि गढ़वाल राइफल का जो बैंड है वो भी देख सकते हैं कि और ये तस्वीरें केदारनाथ धाम की पूरे मंत्रोच्चारण के साथ जो है कपाट खोल दिए गए हैं। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें केदारनाथ धाम की हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से चारों तरफ जो है सिर्फ बाबा के जयकारे से जो है पूरा मंदिर प्रांगण जो है वो गूंज रहा है। तो आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। चारों तरफ सिर्फ हर हर महादेव और भोलेनाथ के जयकारों से इस वक्त केदारनाथ धाम जो है गूंज रहा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु जो है वो ललाहित है। गणपति वंदना बजाई जा रही है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी देव की पूजा करने से पहले गणपति को प्रसन्न करना जरूरी होता है और इन सब के बीच में ये मंत्रोच्चारण और अब से कुछ ही देर बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। ये तस्वीरें अद्भुत है, अलौकिक है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर और उसके बीच में केदारनाथ धाम और पूरे प्रांगण में उपस्थित ये भक्त बता रहे हैं कि कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ये पट खुलने का। 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ है 21,600 फीट ऊंची करांच कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड और उसके बीच में ये केदारनाथ धाम जो कि भव्य लग रहा है, फूलों से सजाया गया है, अलौकिक लग रहा है। और कुछ ही समय बचा हुआ है जब केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। हालांकि यहाँ पर व्यवस्था को भी बनाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है लोगों को। तो देखिए कपाट खुल चुके हैं और बाबा केदार जो हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भक्तों का जो इतना इंतजार था वो आखिरकार खत्म हुआ और केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। तस्वीरें सीधे केदारनाथ धाम से बाबा के जय घोष के साथ, हर हर महादेव के जयकारों के साथ। तो सीधी तस्वीरें केदारनाथ धाम से मंत्रोच्चारण के साथ केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो खोले जा रहे हैं और भक्तों का इंतजार जो है आखिरकार खत्म हुआ। चारों तरफ बर्फ की वादियों के बीच ये तस्वीरें जो हैं अपने आप में बेहद अलौकिक हैं, बेहद खूबसूरत हैं। फूलों से श्वेत श्रृंगार किया गया है पूरे मंदिर का। 20 क्विंटल फूलों से बाबा के मंदिर को सजाया गया है और दूर दूर से भक्त जो है बाबा के एक झलक पाने के लिए यहाँ आतुर हैं। और फाइनली वो इंतजार जो है वो खत्म हुआ। बाबा के कपाट जो है वो उनके भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। अब बाबा तैयार हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं, इसके बाद गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भी खोले जाएंगे और उसके बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट जो हैं वो 12 मई को खोले जाएंगे। तो भक्तों का इंतजार जो है खत्म हो गया है। आज जो है केदारनाथ धाम जो है वो अपने भक्तों के लिए खुल गया है।